Hey guys, I'm Nikhil. In this video, I'll be talking about the homonid evolution. So, this a little bit about me. So, to understand the whole concept of the hominid evolution in a better way, we need to understand the geological ages, okay? And in this regard, a question can be asked from us that when was the earth formed? So, earth was about 4.5 billion years old, okay? So, earth 4.5 billion years old and human appeared on it only some, you know, 2000s. टू हंड्रेड थाउजेंड्स ईयरों को सो so, ह्यूमन बड़ा लेट एंट्री करते हैं एंड जो अर्थ के रिगार्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी बाय चार्ल्स लैल्स सो वो एक्सप्लेन करते हैं ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ओके एंड वो एक्सप्लेन करते हैं कि पास्ट में जो जो चेंजेस आए हाँ हैं अर्थ की सर्फेस पे ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स और नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स और यू नो अर्थ क्वेक एंड अदर फैक्टर्स जो कि वीदरिंग और बाकी प्रोसेस को आ, आ, होती हैं आपने पढ़ा होगा जी सी लियोन में जोग्राफी की बुक्स में तो ये सारी जितनी भी प्रोसेस होती हैं इन्होंने अर्थ के सर्फेस को चेंज करने में मदद की एंड अर्थ का वल्यूशन हुआ सो जी सी सो चार्ल्स लेल इसी को एक्सप्लेन करते हैं इन प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी सो जियोलॉजिस्ट जो हैं वो अर्थ को कितनी जियोलॉजिकल एजेस में डिवाइड करते हैं सो देर आर फोर जियोलॉजिकल एजेस सो फर्स्ट इज पैलोजोइक सेकेंड इज मेसोजोइक थर्ड इज टर्सरी एंड फोर्थ इज क्वार्टनरी ओके सो ये पेलोजोइक और मेसोजोइक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टर्सरी एंड क्वार्टनरी एंड टर्सरी और क्वार्टनरी दोनों मिलकर के बनाती हैं सेनोजोइक ओके इट्स आई थिंक इट सीम्स वेरी कॉम्प्लेक्स बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो टर्सरी है एंड क्वार्टनरी है ये दोनों मिल करके सेनाजो एक एज बनाती है जिसे हम बोलते हैं एज ऑफ द मैमल्स ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड बाई दिस पिक्चर सो देर आर फोर एजिस फर्स्ट इज मेसोजो फर्स्ट इज पैल्योजोइक देन मेसोजोइक एंड फिर टर्सरी एंड क्वार्टनरी को कम्बाइंड करके सीनोजो एज बनती है ओके सो so, सीनोजोइक इज़ फर्दर डिवाइडेड इन टू सेवन एपोक्स ओके सीनोजोइक को हम ओवर डिवाइड कर सकते हैं इन सेवन एपोक्स, एंड इन सेवन एपोक्स में दो जो लास्ट एपोक्स हैं प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके प्लेस्टोसीन और होलोसिन uh, इसके सेवन एपोक्स में से लास्ट दो अपोक्स हैं सीनोजॉइ के ओके सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस पिक्चर ओके okay. सो so, जो ये सैनोजो केज़ है जो कि टर्सरी एंड क्वार्टनरी को मिलकर के कंबाइन करके बनी है इसमें जो लास्ट टू एपॉक्स हैं प्लेस्टोसिन एंड होलोसिन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन तो अस, ओके okay? सो so, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट प्लेस्टोसिन प्लेस्टोसिन जो है इट बिगेन अबाउट 1.6 मिलियन ईयर हो एंड इट वॉज द एज ऑफ द अर्ली ह्यूमेंस एंड जाइंट मेमल्स ओके एंड पैलोलिथिक एंड मेजोलिथिक जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा सो इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट जो आ जाए तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन वी हैव होलोसिन होलोसिन रिसेंट पीरियड को कहते हैं अभी जो जोलॉजिकल ए चल रही है जो अपॉक चल रहा है दैट इज़ नॉन एज होलोसिन हम होलोसिन में रह रहे हैं आज सो होलोसिन इज बिगेन अबाउट टेन थाउजेंड्स ईयर

सो चार्ल्स टाविन अपनी बुक में क्या एक्सप्लेन करते हैं सो चार्ल्स टाविन एक्सप्लेन करते हैं कि नई नई स्पीशीज बनती हैं नई नई स्पीसीज बन जो नई नई स्पीसीज बनती हैं वो अडेप्टेसन और प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बनती हैं एंड एडप्टेशन यानी कि अपने आप को एनवायरमेंट में ढालना एंड प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है सो so, कोई भी स्पीसीस है वो अपने सर्वाइवल के लिए खुद के डीएनए में वो चेंजेस लाएगी खुद के बॉडी में वो चेंजेस लाएगी जो उसके सर्वाइवल में मदद करेंगे ओके सो so, ये चेंजेस वो जेनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट करेगी एंड अगर ये सक्सेसफुल होंगे तो उसका सर्वाइवल हो जाएगा नहीं होंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी एक्सटेंड कर जाएगी सो चार्ल्स टाविन इसी थेरी को एक्सप्लेन करते हैं अपनी सो so, इसको और अच्छी तरह समझते हैं अगर बायोलॉजी की बात करें तो एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस इन हेरिटेबल फीचर्स हेरिटेबल फीचर का मतलब होता है वो फीचर्स जो जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं मींस ग्रैंडफादर टू फादर एंड फादर टू सन ओके तो जनरेशन टू जनरेशन होते हैं सो so, इसमें जो स्पीसीज होती हैं उनके हेरिटेबल फ़ीचर्स में ओवर दी सक्सेसिव जनरेशन जो चेंजेस आते हैं वो जीन फ्रीक्वेंसी की वजह से आ सकते हैं आपने पढ़ा होगा डीएनए ओके एके डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड ओके okay? सो so, उसमें जो चेंजेस होते हैं उस वजह से एंड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आई हैव एक्सप्लेन यू कि कोई भी स्पीसीज़ अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करती है ताकि उसको वो अपना सर्वाइवल कर सके ठीक है वो सर्वाइव कर पाए एनवायरनमेंट में एंड दिस इज़ नॉन एज द प्रोसेस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन सो जीन फ्रीक्वेंसी और प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एवोल्यूशन होता है और हेरिटेबल फीचर्स में चेंजेस uh, आते हैं ओवर सक्सेसिव जनरेशन्स ओके सो दिस पिक्चर एक्सप्लेन्स दूशन ओके एंड यहाँ पे हमको ये भी समझने की जरूरत है एक uh, बड़ा मिथ है कि मंकीज आर एंसेस्टर्स ओके मंकी हमारे एंसेस्टर्स थे एंड वी आर हमारा एवोल्यूशन मंकी से हुआ है सो so, ऐसा सोचना ही गलत है कि मंकी से हमारा एवोल्यूशन हुआ है बल्कि मंकी से हमारा एवोल्यूशन नहीं हुआ है बल्कि मंकी चिमपैनजी एप्स और जितने भी ये बाकी हैं इन सब हमारे उन सब के एनसेस्टर्स एक हैं ओके पेमिट्स ओके सो so, ये सोचना गलत होगा कि मंकी से हमारा एवोल्यूशन हुआ है मंकी से हमारा एवोल्यूशन हुआ है बल्कि मंकी चिम्पैनजी और ह्यूमंस इन सबके एंसेस्टर एक है यानी कि इन सबके हम एक ही आ, के वंशज हैं आप ऐसा मान सकते हैं ओके सो सो लेट्स टॉक अबाउट दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ द स्पीसीज एंड जीनस स्पीसीज आर सिमिलर इन फिजिकल स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड दे इंटरबीड विद ईच अदर सच डॉग वॉल्फ चैकल सो so स्पीसीज़ जो होती हैं उनका फिजिकल स्ट्रक्चर सेम होता है बिहेवियर सेम होता है एंड वो एक दूसरे से इंटरब्रीड करती है ओके जैसे डॉग डॉग से इंटरब्रीड करेगा वॉल्फ uh, वॉल्फ से इंटरब्रीड करेगा जैकल जैकल से इंटरब्रीड करेगा सो so कोई भी स्पीसीस है वो एक दूसरे से इंटरब्रीड करती है जैसे ह्यूमेंस है सो so ह्यूमन्स एक स्पीसी है ओके एंड ह्यूम्स चाहे वो अमेरिकनस हो चाइनीज हो या फिर इंडियंस कोई भी हो कोई भी रेस कोई भी एथनीसिटी है सभी एक ही स्पीसीज के हैं और हम सभी एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं ओके हमारे भले फिजिकल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर में थोड़ा सा और चेंजेस हैं लेकिन हम एक ही स्पीसीज के हैं ओके सो जीनस क्या होता है जीनस इज आर समथिंग अ ब्रॉड टर्म जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं एक जैसी जैसे कि कैनिस है कैनिस में जो डॉग है वॉल्फ है और जैकल है ये एक ही जीनस के हैं ठीक है तो एक ही जीनस के हैं क्योंकि इनके आपने देखा होगा इनके फीचर्स भी समवट थोड़ा थोड़ा सिमिलर हैं तो जीनस थोड़ा ब्रॉड टर्म होता है जिसमें बहुत सारी स्पीसीज आ जाती हैं लेकिन एक स्पीसीज जो हो, होती है वो एक स्पेसिफिक टर्म होती है एंड स्पीसीज एक दूसरे से इंटरब्रीड करती है आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सो लेट्स कम टू द द्यूमन रेवल्यूशन सो अर्ली ह्यूमन्स की बात करते हैं सो ओस्ट्रोलोपिथिक्स वॉज द अर्लीएस्ट नॉन ह्यूमेट Or you can say hominid, who man-like species, thi, who appeared about 4.4 million years ago. Okay. Then we have Homo habilis. Homo habilis were the hand-using man, who appeared about 2 million years ago. Then we have Homo erectus, who were known for their fully erected posture, or you can say were fully erected man, who appeared about 1.4, 1.7 million years ago.

कंपैरिजन में उनका ब्रेन साइज बड़ा था एंड उन वो बाईपीडियल लोकोमोशन बाईपीडियल लोकोमोशन का मतलब होता है कि जब ह्यूमन है वो सीधे होकर चलते हैं एंड सीधे होकर चलने से जो उनका रिब क्या होता है उनके रिब एरिया जो होता है या जिसको आप कह सकते हैं बैकबोन जो होती है उनकी उसके नीचे वाला एरिया जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं एंड स्पेशली इन फ़ीमेल्स क्योंकि फ़ीमेल्स जो हैं वो चाइल्ड uh, बर्थ यानी कि बच्चों को जन्म देती है इस वजह से जब वो खड़े होकर चलने लगेंगी तो उनका जो कैनाल होगा जिससे वो जन्म देती हैं वो थोड़ा नैरो हो जाएगा हालांकि वो एक्सपांड करा काफ़ी लेकिन वो थोड़ा नैरो होगा जिससे चाइल्ड बर्थ में दिक्कत होती है तो इससे क्या होगा अब ह्यूमन साइज भी बड़ा जो ह्यूमन बेबी है वो जल्दी बर्थ ले लेगा यानी कि जल्दी पैदा हो जाएगा नौ महीने के बाद वो पैदा हो जाएगा एंड लेकिन अभी भी उसका जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हुआ ढंग से तो उसको काफ़ी हद तक अपने मोम पर डिपेंड uh, होना पड़ेगा फॉर देर चाइल्ड केयर इससे एक बॉन्ड डेवलप होगा बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड जो कि धीरे धीरे एक फैमिली न्यूक्लियस का सेंटर बनेगा सो समझ रहे हैं किस तरह से बायोलॉजिकल चेंजेस कल्चरल चेंजेस के लिए uh, uh, मतलब कल्चरल uh, चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है देन वी हैव प्रहेंसिल हैंड्स परहेंसिल हैंड का मतलब होता है ऐसे हैंड जो कि किसी भी चीज़ पर पकड़ बना सकते हैं ओके okay, लेट्स कि कैट के जो होते हैं हाथ वो किस तरह के होते हैं या लेग्स जो होते हैं वो prehensile नहीं होते वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते एंड हमारे जो होते हैं हमारी उंगलियाँ वो इस तरह की होती हैं कि हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं तो प्रिहेंसिल हैंड से ह्यूमेंस को कोई भी पत्थर पकड़ने में मदद मिली

स्टेरियोस्कोपिक विज़न, ओके सो ये सारे फैक्टर्स थे जिसने होमोसैपीन सेपीनस को कंपेयर टू दी यू नो बाकी स्पीसीज बहुत ही सुपीरियर uh, बना uh, दिया नेक्स्ट वीडियोस, सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड लाइक दैट वीडियो